इंसान सबसे ज़्यादा सुखी कहाँ रहता है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप बहुत से जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसका सही जवाब होगा अपनी फैंटेसी में, अपनी दुनिया में। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी मूवीज दिखाने वाला हूँ ना, जो आपकी फैंटेसी की दुनिया को बदल कर रख देंगी। क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसी ऐसी दुनियाएं, ऐसी ऐसी फैंटेसी देखने को मिलेगी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और ये सारी मूवीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और मोस्ट ऑफ द मूवीज तो हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि आखिर एक कमाल की फैंटेसी मूवीज कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहली मूवी है सिल्वर एंड द बुक ऑफ ड्रीम्स। ये मूवी 2023 में आई है। वैसे इस लिस्ट की सभी मूवीज 2023 में आई हैं। ये एक ड्रामा फैंटेसी रोमांस मूवी है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरोज की, यानी कि बच्चों की, क्योंकि एक टीन ड्रामा मूवी है। इसके अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके हाथ में लगती है एक किताब, जिस किताब की मदद से उसके अंदर जो रिचुअल्स लिखे हैं, उसके अंदर जो तांत्रिक चीजें लिखी हैं, उनको अगर ये लोग पूरा करेंगे तो ये लोग दूसरों के ड्रीम्स के अंदर, मतलब उनकी सपनों की दुनिया के अंदर जाके ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब कि किसी की भी दुनिया के अंदर। और ऐसे ऐसे विजुअल्स आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे ना कि आपको अपनी आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं होगा, और ना ही इन लोगों को अपनी आंखों के ऊपर विश्वास होता है जो लोग पहली बार दूसरों के ड्रीम्स के अंदर जाते हैं। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है, तो अब इन लोगों को क्या कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि ये लोग मुश्किल में फंस गए हैं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। काफी अच्छी मूवी है और हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है, मतलब एडवेंचर एक्शन फैंटेसी सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। आप काफी लोग ये कह सकते हैं कि ये तो एक सुपर हीरो मूवी है, इसको इसके अंदर क्यों इंक्लूड किया? तो देखिए, ये एक सुपर हीरो मूवी भले ही हो, लेकिन ये एक बहुत अच्छी फैंटेसी मूवी भी है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे कमाल के विजुअल्स और बहुत अच्छी अच्छी दुनियाएं देखने को मिल जाएंगी। मैंने इसका रिव्यू भी कर रखा, आप उस पूरे रिव्यू को भी देख सकते हैं। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जिसको पता लगता है एक बहुत खतरनाक विलन के बारे में, जो कि पूरी दुनिया को खत्म करने वाला है, क्योंकि उसके हाथ कुछ बहुत भयानक टेक्नोलॉजी लग गई जो कि इन लोगों की टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज्यादा एडवांस है। ऐसे में लोग किस तरह उस बहुत भयानक विलन को रोकते हैं जो कि पूरी पृथ्वी को खत्म करने वाला, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में इस समय थिएटर्स में लगी हुई है। इस मूवी को रेटिंग्स मिले 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी इंडियाना जोन्स डायल ऑफ द डेस्टिनी। ये फिफ्थ पार्ट इंडियाना जोन्स सीरीज का, आप चाहे तो सारी मूवीज देख रखी है, सारी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, बट इंडियाना जोन्स टेम्पल ऑफ द डूम सबसे बकवास और रद्दी मूवी है, उसको छोड़ के बाकी सारी मूवीज बहुत ज्यादा अच्छी है। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में हॉटस्टार पे देख सकते हैं। इसकी अगर कहानी की बात करें तो कहानी दिखाई गई हमारे हीरो इंडियाना जोन्स की, जो कि काफी बूढ़ा हो गया, लेकिन एडवेंचर का कीड़ा अभी भी उसके अंदर है, और उसको पता लगता है एक बहुत खतरनाक गैजेट के बारे में, जिसकी मदद से दुनिया का पास्ट प्रेजेंट सब कुछ बदल सकता है, और ये लग गया एक जर्मन के हाथ में। अब वो खतरनाक डिवाइस क्या है वो आपको मूवी के अंदर देखना है, और इंडियाना जोन्स किस तरह ना चाहते हुए भी मजबूरी में बहुत सारे एडवेंचर सफर पर जाता है, वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। ये काफी अच्छी एडवेंचर फैंटेसी और साइंस फिक्शन मूवी है। साइंस फिक्शन क्यों है वो आप मूवी देखिए, आपको पता लग जाएगा। और इसका जो एंडिंग है, क्लाइमेक्स है, वो आपको पूरी तरीके से शॉक्ड करके रख देगा। जितनी भी अभी तक आपने इंडियाना जोन्स की मूवी देखी है, उन सभी से सबसे ज्यादा अलग ये मूवी है, क्योंकि इसका क्लाइमेक्स बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट मूवी है द लिटिल मरमेड। ये एक एडवेंचर फैमिली फैंटेसी मूवी है, जिसको आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। और आपने अगर 1980s में आई थिंक आई थी इसकी मूवी द लिटिल मरमेड, जो कि एक एनिमेटेड मूवी, अगर उसको देख रखा है तो इसके अंदर आपको वही स्टोरी देखने को मिल जाएगी, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में। ये मूवी विजुअली बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं तो स्टोरी दिखाई गई एक मरमेड की, यानी कि एक जल परी की, जो कि समुद्र के अंदर अपने बहुत बड़े साम्राज्य के अंदर रहती है, और ये राजकुमारी भी है, सबसे छोटी आई थिंक ये राजकुमारी है, जिसको एक ह्यूमन से, एक इंसान से प्यार हो जाता है, ये उसकी जान भी बचाती है। लेकिन एक मरमेड एक इंसान से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों की बॉडीज काफी अलग है, लेकिन ये तो अब उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी, इसीलिए ये एक जादूगरनी की मदद से, जो कि ब्लैक मैजिक करती है, अपने आप को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर ली थी। अब किस तरह उस इंसान से मिलती है जिसके बारे में इसको कुछ भी नहीं पता, वो सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखनी है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स मिले 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है डंजन्स एंड ड्रैगन ऑनर अमंग द थीव्स। ये एक बहुत कमाल की फैंटेसी मूवी है, जिसके अंदर आपको ड्रैगन्स देखने को मिलेंगे, अलग दुनियाएं, पाताल लोक, बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। वैसे मैंने इसका भी रिव्यू कर रखा है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। अगर कहानी की बात करें तो कहानी दिखाई गई हमारे हीरो की, जो कि अपनी पत्नी को वापस जिंदा करना चाहता है, और इसका दोस्त इसमें इसकी मदद करने वाला है, क्योंकि इन लोगों के हाथ एक ऐसा डिवाइस या कोई जादू यंत्र लग गया है, जिसकी वजह से ये लोग मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं। लेकिन वहां पे ये पकड़ा जाता है, अपनी बेटी की जिम्मेदारी अपने दोस्त को दे देता है, लेकिन जब ये जेल से छूट के वापस आता है तो इसको पता लगता है कि इसके दोस्त ने तो इसको धोखा दिया है, फंसाया। अब ये किस तरह अपने दोस्त से बदला लेता है, अपनी पत्नी को वापस जिंदा करता है, क्या कुछ होता है, वो सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखनी है। काफी अच्छी फैंटेसी मूवी तो है ही, साथ में एक काफी अच्छी कॉमेडी मूवी है, जिसके अंदर बहुत सारे फनी सीन्स है जो आपको हंसाने में कामयाब हो जाते हैं, और कुल मिला के ये मेरी तरफ से काफी अच्छी फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स मिले 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है वोंका, जो कि अभी रिसेंटली ही रिलीज हुई है, और मैंने इसका भी रिव्यू कर रखा है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक यंग लड़के की, जिसका नाम वोंका होता है, और उसके हाथ में एक मास्टर रेसिपी लग चुकी है चॉकलेट बनाने की, मतलब कि उसने मास्टर कर लिया है
चॉकलेट बनाने का, और वो अपनी चॉकलेट्स को बेचना चाहता है एक शहर में जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, और वहाँ पे वो अपनी बड़ी दुकान खोलना चाहता है और अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहता है। लेकिन जैसे ही उस शहर में पहुँचता है वहाँ पे इसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो जाता है क्योंकि इसको बहुत सारे लोग धोखा दे देते हैं। अब इसको लगातार 27 साल तक आई थिंक काम करना होगा, उसके बाद इसका कर्जा उतरेगा। उसके साथ में बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके खिलाफ है, मतलब कि किसी भी कीमत पे ये अपनी चॉकलेट फैक्ट्री यहाँ पे नहीं खोल सकता। वे कैसे इस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। काफी अच्छी मूवी है और फैमिली मूवी है, मतलब आप अपने बच्चों के साथ भी इस मूवी को बड़े ही आराम से इंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ में इस मूवी के अंदर आपको मिस्टर बीन भी देखने को मिल जाएंगे, और वही अंदाज जैसे हमने हर बार मिस्टर बीन की मूवीज के अंदर देखा है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में थिएटर्स में लगी है। इस मूवी को रेटिंग्स मिले 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट मूवी है सुजुमे, जो कि एक एनिमे मूवी है, और ये बहुत ज्यादा कमाल की मूवी है, इसीलिए पहले नंबर पे। इस मूवी की जो दुनिया है ना आपको पूरी तरीके से हिला के रख देगी। जब आप इस मूवी को देखना शुरू करेंगे और इस मूवी की जब दुनिया देखेंगे ना, तो आप सिर्फ उसी चीज को फील करना चाहेंगे। जो चीज, जो गाने बैकग्राउंड में बजते हैं, जो सीन्स हमारे सामने आते हैं, वो हमारे मन को मोह लेते हैं। ऐसे सीन्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब विजुअली ये मूवी एक नंबर है, और इसका कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छा है। कहानी दिखाई गई है एक लड़के की, जो कि एक मिस्टीरियस सा लड़का होता है, और इसका काम होता है पूरी दुनिया के अंदर दरवाजों को बंद करना। जिन दरवाजों की दूसरी तरफ कुछ बहुत भयानक मॉन्स्टर्स रहते हैं जो कि हमारी दुनिया के अंदर आना चाहते हैं, और उसके बाद वो लोग हमारी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे क्योंकि हमारी दुनिया में बहुत सारे भूकंप आएंगे, सुनामी आएंगे और बहुत सारे लोग मर जाएंगे। लेकिन ये लड़का उन सबको कंट्रोल करके रखता है, दरवाजों को बंद करके रखता है। बट एक दिन एक जादुई बिल्ली इस लड़के को कुर्सी बना देती है, उसके बाद सारे दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। अब ये लड़की किस तरह उस लड़के की मदद करती है और दुनिया को बचाती है, वही सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखनी है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और अगर आप कुछ बहुत कमाल की एनिमेटेड मूवीज देखना चाहते हैं जो 2023 में रिलीज हुई है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने 9 सबसे बेस्ट मूवीज को कवर किया है जो कि 2023 में रिलीज हुई हैं।